हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फोटोग्राफी क्लब की सारी फोटोज को आग लग जाती है और धुएं की वजह से मिस हा भी वहां पहुंच जाती है और मोहयुक से पूछती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो मोहयुक मिस हा को पूरी बात बताता है। तो मिस हा उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये किसका काम हो सकता है और कौन इन फोटोज को आग लगा सकता है। तो मोहयुक उनसे कहता है कि ये वही कर सकता है जो सुहा का पीछा करता था और जिसने सारा इल्जाम हांसु पर लगा दिया। तो मिस हा कहती है कि मुझे सबसे पहले तो तुम्हारी सच्चाई सबको बतानी चाहिए, वरना पता नहीं तुम मेरे और कितने स्टूडेंट्स पर ऐसे ही इल्जाम लगाओगे। तो मोहयुक मिस हा से 10 दिन मांगता है और कहता है कि मैं इन 10 दिनों में सब कुछ पता कर लूंगा और तुम्हें इस बात का सबूत भी ला के दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम मेरी सच्चाई पूरे स्कूल को बता देना और चाहो तो पुलिस को भी बुला लेना। ये सुनकर मिस हा वहाँ से चली जाती है। घर पर आकर मोहयुक आग वाली बात अपने हैकर फ्रेंड को बताता है और कहता है कि किसी स्टूडेंट को मेरी असलियत का पता है और अब से ताइसो के बारे में जानने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि कहीं मिस्टर ली ही नंबर 0 तो नहीं। नेक्स्ट डे स्कूल में मिस जून सभी टीचर्स के सामने ये मान लेती है कि ब्योंग हो की कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए वो स्कूल फिर से कंटिन्यू कर सकता है और जून जाए को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही क्लास में ब्योंग हो एंटर करता है तो जून जाए का फ्रेंड ह्यून ग्यू उसे टॉन्ट मारने लगता है, पर जिन ब्योंग हो को कहता है कि मुझे बहुत ही खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया। तो इसके बाद आता है मोहयुक का लेक्चर। मोहयुक के लेक्चर में बॉयज और गर्ल्स की क्लास को कंबाइन किया जाता था। क्लास में मोहयुक सबसे कहता है कि ब्योंग हो के वापस आने की खुशी में क्यों ना आज कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। मोहयुक सभी स्टूडेंट से कहता है कि आज हम हाई स्कूल के केस के बारे में बात करेंगे जिसमें एक फीमेल हाई स्कूल स्टूडेंट की इलीगली फोटोज को क्लिक किया गया था। इस केस में 3 कैरेक्टर्स होंगे। पहला आता है ए, जो एक मेल स्टूडेंट है, जिसने दूसरे कैरेक्टर बी, जो उसी के स्कूल की एक फीमेल स्टूडेंट है, उसकी चुपके से अपने मोबाइल से फोटोज क्लिक की थी। पर ए तो बी से प्यार करता था, इसलिए उसने बी की फोटोज तो खींची पर उन फोटोज को कहीं भी पोस्ट नहीं किया और सिर्फ उन फोटोज को अपने पास ही रखा। तो अब आता है इस केस का 3rd कैरेक्टर, जो है सी। सी भी उसी स्कूल की एक फीमेल स्टूडेंट है। तो इस केस में क्या हुआ कि कैरेक्टर सी ने कैरेक्टर ए के फोन में कैरेक्टर बी की फोटोज को देख लिया और सी ने इसके बारे में अपने टीचर को बता दिया। तो अब मोहयुक सभी स्टूडेंट से इस क्विज का पहला सवाल पूछता है। तो पहला सवाल ये था कि ए, जिसने बी की चुपके से फोटोज खींची थी पर उन फोटोज को कहीं भी पोस्ट नहीं किया, तो क्या ए ने गलत किया या फिर नहीं। तो मोहयुक सभी स्टूडेंट से कहता है कि जिसको लगता है कि ए ने गलत किया वो राइट साइड मूव करे और जिसे लगता है कि ए गलत नहीं है वो लेफ्ट साइड मूव करे। युनहा, जिन, येरी और बाकी काफी स्टूडेंट्स राइट साइड मूव करते हैं, पर तायरा, ह्युनग्यू और गिहयुन लेफ्ट साइड मूव करते हैं। दूसरा सवाल मोहयुक का ये था कि सी के टीचर को बताने से पहले ही ए ने सारी फोटोज को अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, जिसका मतलब है कि अब तो कोई सबूत ही नहीं बचा, तो क्या ए अभी भी गिल्टी है या फिर नहीं। तो अगर जिसे लगता है कि ए अभी भी गिल्टी है वो राइट साइड मूव करे और जिसे लगता है कि ए अब गिल्टी नहीं है वो लेफ्ट साइड मूव करे। जिन और बहुत सारे स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड मूव कर जाते हैं, युनहा, ब्योंगहो और येरी राइट साइड ही रहते हैं। मोहयुक जिनसे पूछता है कि अब तुम्हें कैरेक्टर ए गिल्टी क्यों नहीं लगा, तो जिन उससे कहता है कि अब ये क्राइम रहा ही नहीं क्योंकि इसे साबित नहीं किया जा सकता। मोहयुक उसकी बात से सहमत हो जाता है। तो अब मोहयुक कहता है कि इस केस में एक ट्विस्ट है। कैरेक्टर सी, जिसने टीचर को फोटोज के बारे में बताया, वो कैरेक्टर बी को बुली करती थी। कैरेक्टर सी ने कैरेक्टर ए के मोबाइल से एक फोटो को चुरा कर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। तो अब मोहयुक पूछता है इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन, जो था कि कैरेक्टर ए, जिसने बी की फोटोज को क्लिक किया पर उन फोटोज को सिर्फ अपने पास ही रखा, और दूसरी तरफ कैरेक्टर सी, जिसने कैरेक्टर ए से एक फोटो को चुरा कर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, तो ए और सी में से किसने विक्टिम बी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो अब जिन स्टूडेंट्स का जवाब कैरेक्टर ए है वो राइट साइड मूव करे और जिनका जवाब कैरेक्टर सी है वो लेफ्ट साइड मूव करे। जिन मोहयुक से कहता है कि डिसीजन लेने से पहले क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, तो जिन पूछता है कि वो टीचर जिसे सी ने फोटोज के बारे में बताया था, तो अगर वो टीचर ए की सारी फोटोज को चुराने की कोशिश करे पर उन फोटोज को चुरा ना पाए तो उस टीचर को क्या सजा मिलेगी। मोहयुक कहता है कि अगर फोटोज ए के घर होती तो इसे चोरी कहा जा सकता था, पर अगर फोटो स्कूल में थी तो ये कोई क्राइम नहीं होगा क्योंकि स्कूल एक पब्लिक प्लेस है। तो उसी समय गिहयुन मोहयुक से कहता है कि अगर कैरेक्टर ए के पास अभी भी वो सारी फोटोज हो तो क्या वो टीचर फिर से उन फोटोज को दोबारा चुराने आएगा। मोहयुक उसे जवाब देने ही वाला था कि लेक्चर ओवर हो जाता है, पर मोहयुक सभी स्टूडेंट से कहता है कि जो भी स्टूडेंट्स इस लास्ट सवाल का जवाब जानना चाहते हैं वो मुझसे मिलने जरूर आए, आई विल ऑलवेज वेलकम यू। क्लास के बाद ब्योंग हो मोहयुक को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और मोहयुक उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है।
जिन उन दोनों को एक साथ जाते हुए देख लेता है। मो ह्यूक ब्योंग हो को रूफ टॉप पर ले जाता है और ब्योंग हो से पूछता है कि क्या जून जाए ने तुमसे जो भी सामान लिया था वो तुम्हें वापस कर दिया है। ब्योंग हो कहता है कि जून जाए तो सिर्फ मुझे बुली करता था पर उसने कभी भी मुझसे कोई भी सामान नहीं लिया। तो मोहिक उससे कहता है कि जून जाए ने तो कहा था कि उसके पास तुम्हारी स्निकर्स हैं। तो ब्योंग हो उससे कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और आपने कैसे सोच लिया कि मेरे पास इतने महंगे स्निकर्स होंगे। तो मोहिक उससे बोलता है कि मैंने तो अभी तक ये कहा भी नहीं कि वो स्निकर्स महंगे थे और तुमने वो स्निकर्स खरीदे तो नहीं होंगे, तो क्या तुमने वो कहीं से चुराए। तो ब्योंग हो उससे बताता है कि वो स्निकर्स किसी ने मुझे दिए थे। मोहिक उससे पूछता है कि क्या ये स्निकर्स तुम्हें ताइसुक ने दिए। ये सुनकर ब्योंग हो वहाँ से जाने ही वाला था कि मोहिक उससे बताता है कि हांसु को भी जल्दी ही होश आ जाएगा और तुम उस दिन हांसु से क्या बात करने गए थे। ये बात पूरी सुनने से पहले ही ब्योंग हो वहाँ से डरा हुआ चला जाता है। जिन गेहियन येरी और तायरा से मोहयू के बारे में बात कर रहा था तो येरी जिनसे कहती है क्यों ना हम मोहयू को फायर करवा दें, पर गेहियन इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोहयू यहाँ से जाए। तो जिन उन सबको मोहयू से दूर रहने को कहता है। तायरा जिन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे तुम्हारे और सुहा के बारे में पता नहीं चलेगा और अब मेरे पास एक न्यू पेज टर्नर है और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें पास्ट में येरी और जिन की पूरी बातचीत दिखाई जाती है जब जिन ने येरी से पूछा था कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो उस समय येरी ने जिनको कुछ भी नहीं बताया और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो फोटोग्राफी रूम में आ जाती है जहाँ पर उसे गिहियन मिलता है। तो वो गिहियन को पूरी बात बताती है कि मोहयू को सुहा और ताइसो के बारे में पता चल गया है। प्रेजेंट में मिस हा हांसू को देखने हॉस्पिटल जाती है तो उन्हें वहाँ पता लगता है हांसू को तो एक महीने पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। मिस हा उनसे दूसरे हॉस्पिटल का एड्रेस ले लेती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर मोहयुक भी आ जाता है। दरअसल मोहयुक ने ही हांसू को ट्रांसफर करवाया था। मोहयुक मिस हा को बताता है कि हांसू की इस हालत के पीछे ताइसेओक ही है और ताइसेओक ही है जिसने सुहा को एक घर लेके दिया और उसकी स्कूल में एडमिशन करवाई। वो मिस हा को ये भी बताता है कि वो ब्योंग हो ही है जो हांसू को उस दिन मिलने गया था और शायद वो भी ताइसेओक के प्लान में शामिल है। मिस हा को ये सुनकर बहुत शॉक लगता है और वो मोहयुक से कहती है कि मैं ये खुद कंफर्म करूंगी। पर मोहयुक मिस हा से कहता है कि मैंने तुमसे 10 दिन मांगे थे तो मैं ये सब अपने अकॉर्डिंग हैंडल करूंगा और हमें एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ गिहुन फिर से अपने फादर मिस्टर ली की फर्म में लॉयर सॉन्ग से सुहा के केस के डॉक्यूमेंट्स लेने जाता है पर उसके फादर मिस्टर ली को इसके बारे में पता चल गया था। वो गिहुन को अपने साथ ले जाते हैं। कार में मिस्टर ली गिहुन से कहते हैं कि क्या तुम अभी भी उसे भुला नहीं पाए और अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो किसी और लड़की को ढूंढो जो मर गई उसके लिए अब पागल मत बनो। गिहुन उनसे कहता है कि हमें अभी तक पता नहीं चला कि सुहा को किसने मारा और क्या सच में हांसू ने ही उसको मारा है। इस बात पर मिस्टर ली उस पर हाथ उठाने वाले थे पर वो रुक जाते हैं और गिहियन से कहते हैं कि हांसू ने ही सुहा को मारा है तो अब तुम शक करना बंद करो। मोहयुक की सेक्रेटरी मोहयुक को बताती है कि मिस्टर ली का बेटा फर्म में आया था और मिस्टर ली बहुत गुस्सा भी कर रहे थे। नेक्स्ट डे स्कूल में गिहियन मोहयुक को उसकी असली पहचान से बुलाता है एज लॉयर मोहयुक। मोहयुक गिहियन से कहता है कि तुम तो सुहा का पीछा करते थे और शायद उससे बहुत प्यार भी करते थे पर शायद सुहा को तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। गिहियन उसे कहता है कि तो क्या अब तुम मुझे भी हराना चाहते हो। मोहयुक उसे कहता है कि तुम्हें हराने का क्या फायदा, तुमने तो सुहा को मारा ही नहीं और तुम्हें तो मेरी असलियत का भी पता था पर तुमने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि असल में तुम भी जानना चाहते हो कि सुहा को किसने मारा। मोहयुक गिहियन से कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो अब तुम मुझे बताओ कि फोटोज में सुहा के साथ जो आदमी था क्या वो ताइसोक ही था। गिहुन कहता है कि हाँ वो ताइसोक ही था और मैंने ही वो फोटोज को होटल में क्लिक किया था। तो अब हमें पास दिखाया जाता है। गिहियन फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए एक होटल में आया था जहाँ पर उसे सुहा दिखती है। वहाँ पर वो सुहा की पिक्स को क्लिक कर लेता है पर ऐसा करते हुए वहाँ का एक एम्प्लॉय से देख लेता है जो उस पर बहुत गुस्सा करता है। तभी गिहियन को वहाँ पर ताइसोक दिखता है। प्रेजेंट में मोहयुक गिहियन को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी भी वो सारी फोटोज हैं तो तुम मुझे वो फोटोज दे दो ताकि मैं असली गुनहगार को पकड़ सकूं। गिहियन उसे कहता है कि मैंने उन सभी फोटोज को इसलिए जलाया था ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं क्योंकि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की थी। गिहियन वहाँ से जाने ही वाला होता है कि मोहयुक उससे कहता है कि अगर तुम्हारे फादर मिस्टर ली भी इस केस से जुड़े हुए हो तो क्योंकि उन्होंने ही मुझे पर्सनली ये केस दिया था और शायद ताइसोक सुहा को एज अ होस्टेस यूज करता था वो भी अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करने के लिए। ये बात सुनकर गिहियन को बहुत बुरा फील होता है और वो उनसे उन लोगों के बारे में पूछता है। मोहयुक उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया तो अब तुम खुद ही इसका जवाब ढूंढो। मैं तो तुम्हें बस यही बता सकता हूँ कि तुम्हारा जवाब सही है या फिर गलत। क्लास में तायरा मिस चो की इंसल्ट कर देती है जिस पर मिस चो को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है।
जिसकी वजह से तायरा गिर जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। इसके बाद ताइसुक अपने फादर से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जिसका पीछा कर रहा था मू ह्यूक का हैकर फ्रेंड। वो वहाँ पर ह्यून जंग के कोलीग को देख लेता है, पर उसे पता नहीं था कि वो कौन है। हॉस्पिटल में ताइसुक के अपने फादर और बड़े भाई से काफी बहस हो जाती है, क्योंकि उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो चेमेंग हाई स्कूल का चेयरमैन बने, और ताइसुक के अपने बड़े भाई से कुछ खास बनती नहीं थी। स्कूल में तायरा की मॉम स्टाफ रूम में काफी तमाशा करती है और मिस चो को थप्पड़ भी मार देती है, तो मिस हा को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर मू ह्यूक फिर से सारी बात को संभाल लेता है। इसके बाद तायरा की मॉम ताइसुक से मिलने जाती है, तो ताइसुक उनसे माफी मांगता है, पर वो ताइसुक से कहती है कि अब मैं वूनम यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। ताइसुक तायरा की मॉम के पैरों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तायरा का रिकॉर्ड परफेक्ट रखूंगा तो आप वूनम यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करेंगी। तायरा की मॉम कहती है कि अब तायरा का रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं रहा तो हमारी डील भी खत्म। इस बात पर ताइसुक को बहुत गुस्सा आता है। घर पर मू ह्यूक का हैकर फ्रेंड उसे ह्यून जंग के कलीग की फोटो दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। मू ह्यूक कहता है कि मैंने इसे प्रोसिक्यूटर ऑफिस में देखा। मू ह्यूक का हैकर फ्रेंड मू ह्यूक को ये भी बताता है कि उसने ताइसुक की कार पर एक ट्रैकर लगा दिया है, ताकि अब हमें ताइसुक की लोकेशन का पता चलता रहे। मू ह्यूक उसे कहता है कि चलो चलते हैं और पता लगाते हैं कि क्या नंबर जीरो मिस्टर ली ही हैं। तो आज रात ही था तायरा का पियानो फंक्शन। मू ह्यूक और उसका हैकर फ्रेंड दोनों वहाँ पर सब पर नजर रखते हैं। वहाँ पर मिस्टर ली और गिहुन भी आए थे। गिहुन आकर येरी के पास बैठ जाता है। येरी उसे कहती है कि तुम्हें पता भी था कि मू ह्यूक क्लास में सुहा के बारे में बात कर रहा था, पर तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। तो गिहुन उसे कहता है कि तो क्या हम सबको बता दे कि इन सबके पीछे हम ही हैं। फंक्शन स्टार्ट होने से पहले जिन तायरा से मिलने जाता है और उसे उसका पेज टर्नर बनने के लिए मना लेता है। फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ताइसुक के आने पर मू ह्यूक का हैकर फ्रेंड ताइसुक की पॉकेट में एक माइक्रोफोन डाल देता है, ताकि उन्हें अंदर के फंक्शन की सारी बातें सुनती रहें। ताइसुक वहां के गार्ड से बहुत लड़ता है, क्योंकि ताइसुक इस फंक्शन पर इनवाइटेड नहीं था, तो वो लोग उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और तायरा पियानो प्ले करती है, पर कुछ समय बाद तायरा के हाथ में फिर से दर्द होने लगता है, तो वो रुक जाती है। तायरा की मॉम को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, ये देखकर तायरा को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वहाँ पर ताइसुक आ जाता है, वो वहाँ पर काफी तमाशा करता है। तभी वहाँ पर ह्यून जंग भी आ जाती है, तो मू ह्यूक का हैकर फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है और इसके बारे में मू ह्यूक को बता देता है। इसके बाद अचानक से सारे गेस्ट वहाँ से निकल जाते हैं और ताइसुक तायरा की मॉम और मिस्टर ली कहीं और जा रहे थे। मू ह्यूक उनके पीछे जाने ही वाला था कि ह्यून जंग उसे देख लेती है। मू ह्यूक उसे कहता है कि अगर तुम ताइसुक को पकड़ने आई हो तो ऐसा मत करना। तभी मू ह्यूक को ताइसुक की बातें सुनती है, जो कह रहा था कि मिस्टर ली आप ही चाहते थे कि सुहा के मर्डर का सारा इल्जाम हांसू पर लग जाए। ह्यून जंग मू ह्यूक की कोई भी बात नहीं सुनती और उसके ऑफिसर मू ह्यूक को पकड़ लेते हैं, तो उसी समय मू ह्यूक की पॉकेट से उसका स्पीकर नीचे गिर जाता है। ह्यून जंग उसे पूछती है कि ये क्या है, तो मू ह्यूक उसे बताता है कि ताइसुक सुहा का स्पॉन्सर नहीं है, वो तो सुहा को ऐसे होस्टेस यूज कर रहा था दूसरे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तभी वहाँ पर मिस हा भी आ जाती है। मू ह्यूक ह्यून जंग से कहता है कि हांसू ने सुहा को नहीं मारा, पर शायद इन सबके पीछे कोई और है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। पर ह्यून जंग मू ह्यूक का स्पीकर तोड़ देती है, क्योंकि उसे मू ह्यूक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी क्लास ऑफ लाइज के नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। See you again.